हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा जी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल स्कॉलरशिप्स का होता है उसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है। तो उसके लिए आप किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी जो जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है, इनका जो है सेकेंड राउंड चालू हो गया, यानी कि फर्स्ट राउंड जो था वो आपको मई महीने में हुआ था। उसके बहुत सारे लोगों ने उनको अप्लाई करके किया था तो उनको स्कॉलरशिप मिल चुका है। तो उसका सेकेंड राउंड आपको यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगी, आप किस जगह से अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जाम क्या होगा, चलिए आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देखते हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर दबा पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्त, आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्वावलंबन स्कॉलरशिप एग्जाम 2021 का जो है रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है। ये क्लोज हो जाएगा 15 अक्टूबर 2021 तक लास्ट डेट होगा, इसके बाद कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। एग्जाम डेट पहले 24 अक्टूबर था, इसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है। आंसर की और ऑब्जेक्टिव जो आपको मिलेगा 1 नवंबर को आपको मिल जाएगा 2021। इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट 3 नवंबर 2021 को आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोडेड उन्हीं लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा जो लोग इस स्कॉलरशिप में क्वालिफाई करेंगे, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा वो 40% मार्क्स का होगा। तो मैं वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वो 3 नवंबर तक ही लास्ट होगा। और रिफंड जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा, रिफंड स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप, तो उनको 5 नवंबर 2021 तक उसका जो बैंक डिटेल होता है वो आपको एप्लीकेशन के थ्रू से अपडेट करने होगी। और प्रोसेस जो एंड हो जाएगा 10 नवंबर 2021 तक हो जाएगा। इससे पहले सारा चीज प्रोसेस हो जाएगा, इसके बाद किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी। इसका जो इंपॉर्टेंट सारा चीज नोटिफिकेशन होता है वो देख लेते हैं। परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तर्क शक्ति से होगा, मातक अभिरुचि से होगा, सम्मान अध्ययन से होगा, अंग्रेजी से होगा, कंप्यूटर से होगा। प्रत्येक प्रश्न की संख्या आपको यहाँ पे दिया गया और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। और परीक्षा का जो टोटल समय होगा वो 23 मिनट का दिया जाएगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव भी मार्किंग है, अगर प्रत्येक गलत उत्तर का आपको तिहाई का मार्क जो होगा वो काट लिया जाएगा। जो क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा, विद्यार्थियों जो है मॉक टेस्ट के जरिए से तैयारी कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन के थ्रू से आपको बता दिया जाएगा। मैं एप्लीकेशन में जो रिव्यू करूंगा वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कहाँ से आप मॉक टेस्ट का तैयारी कर सकते हैं, यानी कि इस टेस्ट के लिए आप मॉक टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट का तैयारी भी कर सकते हैं। करते हैं परीक्षा शुल्क, यानी कि बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे आपको 1 रुपया भी पेमेंट नहीं देना होता, लेकिन आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको 400 रुपया का पेमेंट देना होगा। ये पेमेंट जो होगा, पेमेंट का भुगतान जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू से ही करना होगा। और ये पेमेंट जो आपको 100% रिफंडेबल होगा उन लोगों के लिए जो इसमें मिनिमम 40% का मार्क्स लाएंगे, यानी कि जितना मार्क्स आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अगर 40% का मार्क्स ले आते हैं तो आपका जो ये रिफंडेबल अमाउंट है, ये 400 जो आपने एप्लीकेशन फी दिया है, ये आपको एप्लीकेशन फी आपको रिफंड हो जाए। एप्लीकेशन उसी का स्वीकार किया जाएगा जो एप्लीकेशन का पेमेंट करेंगे, विदाउट पेमेंट किया हुआ एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसको कितना रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, स्कॉलरशिप फर्स्ट 543 विद्यार्थियों को टाइप ए में सेलेक्ट किया जाएगा। टाइप ए में टोटल स्कॉलरशिप 20,000 का रखा गया है जो कि इस प्रकार दी जाएगी। टाइप ए में सेलेक्टेड कैंडिडेट को 3 मंथ में पेमेंट दिया जाएगा, पहले महीने में 8,000, दूसरे महीने में 6,000 और तीसरे महीने में 6,000, टोटल 20,000। बी में टोटल 10,000 का स्कॉलरशिप रखा गया है जिसमें कि टोटल 349 यानी कि 349 कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, यानी कि फर्स्ट मंथ में उनको 5,000, सेकेंड मंथ में उनको 3,000 और थर्ड मंथ में उनको 2,000 दिया जाएगा। टाइप सी में टोटल कैंडिडेट 361 कैंडिडेट होंगे, उसमें से 6,000 का स्कॉलरशिप रखा गया है, फर्स्ट महीने में उनको 2,000, सेकेंड महीने में 2,000 और थर्ड महीने में भी उनको 2,000 दिया जाए। और जो विद्यार्थी 40% से अधिक मार्क ले आते हैं उसका जो मेरिट लिस्ट में सूच में नाम नहीं आता तो उसका पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाएगा, यानी कि मिनिमम अगर आप 40% मार्क्स लेकर के आ जाते हो तो आपका जो स्कॉलरशिप भरने के लिए जो फी दिए थे वो आपको वापस कर दिया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही बैंक अकाउंट और IFSC कोड सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। जो कैंडिडेट
कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं होंगे किसी भी प्रकार के स्कॉलरशिप के लिए, उनसे उसका बैंक अकाउंट या आईएफएससी कोड नहीं मांगा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इजिबिलिटी की। इजिबिलिटी में 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के लोग इनमें किसी भी वर्ग कैटेगरी के हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया, यानी कि 10th पास लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अपेडिंग है या जो 10th क्लास के अभिप्राय कर रहे हैं, जो एग्जाम नहीं दिए, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 10th पास के ऊपर 11th 12th ग्रेजुएशन जो जितने भी एमबीए बीए जो भी जितने सारे लोग हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा की मेरिट सूची जो बनेगा वो टाइप ए टाइप बी और टाइप सी के अनुसार बनेगा। टाइप ए में 60% और उससे अधिक जो मार्क्स लाएंगे वो टाइप ए में जाएंगे। टाइप बी में जो होगा 50% या उससे अधिक, यानी कि मैक्सिमम 60% से कम, इस बीच वाले लोगों का टाइप बी में सिलेक्शन होगा। टाइप सी में 45% से अधिक और 50% से कम लोगों को कम जो मार्क्स लाएंगे उसका टाइप सी में सिलेक्शन होगा। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस का मैं आपको नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा कि कहाँ से आप सिलेबस का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो एग्जाम होगा वो अपने मोबाइल से देख सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन होगा उसके थ्रू से एग्जाम होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन में जाकर के इनकी सारी डिटेल किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम कहाँ से देना है। अपने मोबाइल का प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप। सर्च करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है तो इसको मैं ओपन पेज रिफ्रेश हो करके थोड़ा इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया होगा, एक नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना बता देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। थर्ड नंबर का है जो, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया वो नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर के आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे सारी जानकारी आपको दिया गया है। इसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे सारी जानकारी एक बार आप देख लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने का सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है स्कॉलरशिप एग्जाम रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने का जैसे आपको यहाँ पे देखिए 2021 का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको सारी जानकारी दिया हो गया है, आप स्लैप करके देख सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन पे टैप कर देंगे। लॉगिन पे टैप करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का आ जाएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप साइनअप करके आप अकाउंट बनाए साइनअप करेंगे। आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे देखिए मेरे नंबर पे ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिल करके यहाँ पे वेरीफाई एंड रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा देर रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके होने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्वावलंबनम स्कॉलरशिप का जो है वो फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, जो भी आपका मिडिल नेम डाल देना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मेल फीमेल सेलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो सेलेक्ट करके डन कर देंगे। डन का हायर क्वालिफिकेशन आपका जो भी, अगर इसमें नहीं मिलता है तो अदर में डाल करके आप डन करेंगे। ईयर क्वालिफिकेशन जो भी होगा आपका, वो पास कब किया है, कौन से ईयर में किया है, वो ईयर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करके डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेंगे। 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे वो मार्क्स जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। परसेंटेज में आपको यहाँ पे फादर नाम डालना है, यहाँ पे मदर नाम डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है, आपका सिटी कौन सा है वो डालेंगे, यहाँ पे पिन कोड कौन सा है वो डालेंगे, आपका जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद कैप्चर एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की गलती लगती है तो आप एडिट पे क्लिक करके जाकर के एडिट कर सकते हैं। सारा चीज़ सही रहेगा तो आप नीचे आएंगे। यहाँ पे अभी फी पेमेंट जो होता है वो पेंडिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन आपका पेमेंट गेटवे पे आपको लेके चले जाएगा। तो अभी मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बता रहा था। तो यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन होता है उसका आपको प्रिपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक मॉक टेस्ट पे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का आ जाएगा। और एक्सेप्ट एंड स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी सेलेक्ट होता है सेव एंड कंटिन्यू करके इस तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम डेट और डिटेल जो होगा आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे सामने आपका आ रहा है स्वावलंबनम 2021।
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी डेट होगा, अभी मैंने पेमेंट नहीं किया तो इसलिए मुझे पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका पेमेंट किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के जो डेट दिया हुआ है, यहाँ देखिए 31/10/2021 दिया हुआ है, उससे एक दिन पहले यहाँ पर आपको आ जाना है और आकर के यहाँ पर सारा चीज़ सेटअप कर लेना है। जो आप अप्लीकेशन जो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ से अप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका अप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है। और अप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे क्लेम स्कॉलरशिप में जब आप कोई भी स्कॉलरशिप को क्वालिफाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्लेम स्कॉलरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। या तो क्लेम स्कॉलरशिप कर देंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा क्लेम स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पे क्लेम स्कॉलरशिप करके आप अपना स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चल सके। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।